हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सुबह सुबह का नजारा अभी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मम्मी और पापा थोड़े पेपर वर्क कर रहे हैं, उससे पहले मिल लेते हैं हार्दिक भाई। हार्दिक भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आपका सर्दी का माहौल? तो अच्छा हो, उससे पहले आपको एक दिन दो दिन ठंडे प्रदेश में जाना पड़ेगा ना, एक दो दिन में। वो आप अपनी चैनल में बता देना क्या है, वो है वो सब। कानू नो, कानू अभी खड़े खड़े पोटी कर रहा है। देखो देख, कानू नो, हाँ सिल्की वाल छन, कुरकुरिया थी जाशे। और मम्मी अभी बहुत साइन कर रहे, सुबह से मैं देख रही हूँ आप साइन ही कर रहे, क्या है? सब अभी पापा आपको आले पापा का मुंह वो जमीन जायदाद सब मेरे नाम पे है। अच्छा ऐसा है, ओ बुढ़ापे में काम आएगा ले मुझे। अच्छा ऐसा है पापा। और मम्मी को आप गिफ्ट दे रहे हैं क्या? वो तो पहले से दीदी है। ओ वाह, मम्मी का बहुत सारी प्रॉपर्टी जायदाद जमीन में करवा जावा। वैसे जमीन जमीन मम्मी के नाम की है, मेहनत पापा कर रहे हैं, नाम मम्मी का है। दूसरा मालूम है, ऑफिस इनके नाम पे, धंधा मैं कर रहा हूँ। वाह पापा वाह, बंगला इनके नाम पे है। रे आप रहे, इसलिए लेडीज का रॉफ जमाना है। हाँ तो अभी लेडीज रॉफ जमा ले। वैसे मम्मी अभी हो ही रहा है, यूट्यूब में आप देख रहे हो कितनी लेडीज, तो पूरा यूट्यूब लेडीज से ही भरा हुआ है। लेडीज को क्या छूट दे दी है ना यूट्यूब वाले ने, तो हाँ इन 90 साल की, इस 80 साल की, 25 साल की सब लड़कियां उस पे आ गई है और धूम मचाती है। जैसे इसमें मम्मी भी आ गए, हाँ अभी हम नारी जो हम नारी जिंदाबाद हो क्या पापा? तो सुविचार पहले बता दीजिए। आज का सुविचार है छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। सही है, याद रखना समय किसी को माफ नहीं करता। आज विश्व मृदा दिवस है। अच्छा इसका भी दिन आता है? हाँ, मृदा मतलब मिट्टी। अच्छा ये मिट्टी को बचाना, मिट्टी को पवित्र रखने का। जो फार्मर है वो विलायती खाद मत डाले और दवाइयां मत डाले, देसी का उपयोग करे, धरती को सुख दे और प्रकृति तभी सुख देगी। ये इंसानियत धीरे धीरे खत्म होने जा रही है, उसका मतलब है विलायती खाद दवाइयां मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी बिगड़ जाती है, वो बिगाड़नी नहीं है। मिट्टी को सुख देना है, जीवित रखना है। हाँ थूकते हैं, ये रोड रस्ते पे थूकते हैं तो प्रकृति को दुख देते हैं, वो कचरा इधर उधर नहीं डालना है, प्रकृति को भी सुख देना है। इसलिए सबको ये विश्व मृदा दिन की बधाई। ओके बरोबर, आपने पहला मृदा दिन बोला ना हार्दिक भाई, मैं क्या पूछा, मैं भी मैं मरेला दिवसो आवता है, लोग केवी रीते सेलिब्रेट करे है मिट्टी। अच्छा हिंदी में मृदा दिन मिट्टी कहते हैं। अभी प्रॉपर्टी मम्मी आप अपने नाम कर लो और संभाल के सब कुछ रख देना, रख देना तुम हमारे साथ। तो अभी पापा ने मुझे भी बुलाया क्या पापा? ये अवतार वालों ले। वाह, तो मने कटको कटको मल तो लागे ना। तो अभी मेरी बारी है, थोड़ा साई सिक्का कर ले, हम भी अंगूठा लगा दे, क्योंकि थोड़ा कटका मुझे भी मिलने वाला है। मैं और मम्मी आजू बाजू में रहेंगे, ऐसा बाहर ज्यादा है ना, तो अकेला नहीं उठेगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। तो पापा की एक कटको तो ना भी जाओ। तो હું ને મમ્મી અમે વાવવા જાશું, નીંદવા જાશું, ઈ તો ખબર નહીં પણ ખાવા તો જાશું। તો બટા વો સબ મતલબ વો સિરિયસ બાત નહીં લેને કા, એ પેપર વર્ક થોડા સિરિયસ હોતા હે, તો વો સબ હમને મજાક મે લિયા થા। તો ચલો ફટાફટ સે કન્ટિન્યુ કરતે હે ઓર બાદ મે મિલતે હે થોડી દેર બાદ। તો ગાઈસ આજ કે હમારા મેન્યુ હે તુવેર બટેકા કી સબ્જી, કચોરી હમને રહેને દી, સબ્જી બના ડાલી ઓર યહાં પે મૂલી ઓર કાંદે સે। ઓર મમ્મી અચ્છા હે? अच्छा ओके, तो यहाँ पे वजन काटा भी है, खा के तुरंत वजन कर लेना है। हाँ कनिष्क वहाँ पे नहीं रहने देता, तो यहाँ पे रख दिया है। रायता मर्चा और रायता मर्चा भी है, तो बहुत कुछ है, चलो फटाफट से खा लेते हैं। कोई है हमारे हार्दिक भाई जैसा जो खाने के टाइम ऑलवेज नमकीन खाते रहते हैं? मेरा क्या नाश्ता नहीं करता सुबह, तो ब्रेकफास्ट और नाश्ता कर लो, कल से कर लेना, लेकिन ये बंद कर देना अभी। आपको तो
मास्टर शेफ में बोलते हैं अब कुछ भी डिश बना लो साथ में क्रंची कुछ एलिमेंट ना हो ना तो डिश अधूरी है। हार्दिक भाई बहुत सारे लोगों को मतलब वो होता है अगर हार्दिक भाई लेके बैठते ना तो हम भी खा लेते हैं लेकिन ना हार्दिक भाई का नहीं कहा हम लोग खाने बैठते हैं ना पप्पू मंगवाते हैं वो डब्बा लेके आओ। और ये हार्दिक भाई आप कल जा रहे हैं अहमदाबाद जीजाजी को लेने के लिए क्या कल गिरीश जी जो आने वाले हैं अहमदाबाद होने वाला है तो हार्दिक भाई सुदत लेने के लिए जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं वो सब आप भूमि दीदी के ब्लॉग में देख सकते हैं। और मम्मी यहाँ पे कमेंट वीरने में से नवरे ही नहीं हो रहे मम्मी और मम्मी मैं क्या बोल रही थी मैंने अभी एक वीडियो देखा जब भी शादी होती है ना तब एक पति पत्नी को मंगलसूत्र पहनाता है तो मंगलसूत्र का स्थान बहुत बड़ा होता है हाँ तो अभी मुझे लगा मैं भी मंगलसूत्र पहनूंगी तो बेतरण बनाई दीदा एक पहनती नहीं नाना मोटी साइज बता ब्रेसलेट वालू से नव बनाव अलग बनाए आप बताना कि मेरे पास कितने मंगलसूत्र है तीन है वो बड़ा वाला छोटा वाला दो और ये चार तो हो जाएगा पहले मैं पहनती लेकिन क्या है वो मुझे मेरी गर्दन थोड़ी मोटी दिखती थी ना इसलिए मैंने छोड़ दिया लेकिन अभी मुझे एहसास हो रहा है नहीं मंगलसूत्र तो जी जैसे सेतु चांदला सब कुछ रहना चाहिए लेकिन उसका टाइम नहीं मिलता पहला जमाना बे त्रण मंगलसूत्र कोई न कराई देता मोटो के नानो एक आवतो एटले बहु हाचवीन राखता रनिंग मा तो खोटा पहेरता बधा बिचारा हुं करे पहला क्या एटलो बधो सोनो आपता अत्यारे मम्मी जेनी पासे सोनु वधारे छे ने ई लोको ज वधारे खोटू पहेरे छे खबर तमने चोरावानी बीक मा अने ईनो लागे બધાને રિપીટ થાય તો ગમતું નથી સાડી ની નહી પહેરવાની ફોટો આવી ગયો જ્વેલરી નહી પહેરવાની ફોટો આવી ગયો એટલે ઈ કાઢ નાખવાનો એટલે તો બધા દુકાન વાળે इसलिए अभी मेरा तीन मंगलसूत्र पुराना हो गया तो मम्मी अभी मुझे चौथा नया करवा के देने वाले पसंद आवे ने पसंद नहीं आना वो तोड़वा के ही बनवाना है हमें नहीं पैंडल तो दूसरा लगवाना है नहीं एमा नेमा हाँ उसमें से ही करेंगे और आज मेरे पास मंगलसूत्र का कितना स्टॉक है वो भी हम आपको दिखाएंगे तो बने रही अभी वैसे आज तो मेरा मतलब दिन कितना बढ़िया है पूरे सुबह सुबह प्रॉपर्टी हाथ आ गई दोपहर को सोना हाथ आ गया समझते जग चलता रहता है चलो मिलते हैं दोपहर हाँ मस्त सीरियस मत लेना सारिका बहन ऐसे है तैसे है वो है वैसा मत कर ना मजाक मस्ती हाँ वो चलती रहती है प्रॉपर्टी से भेगी करी खबर से नहीं તમારે બધાને ભાગ્ય ભરતી મળી જાય એટલી હા તો અગર કહી પે ભી મેરી દેરાણી જો બનને વાલી હોગી વો ભી દેખ રહી હોગી તો મુંજા મત જાના આપકો ભી સબકો ભાગ પડ જાયેગા મેરે હાથ મે કુછ નહીં હૈ તો વો ડર મત જાના સબકે હાથ મે આયેગા ના અજીત સારી કા કોઈ વ્યવહાર નહીં એક પાકેટ માંથી બધા વાપરીએ છે હા તો એ સારું કોઈ પણ પૈસા આવે બધા મારા પાકેટ મારા કબાટ તો અમારે ઘર પે મમ્મી ઓર પાપા ઈ સબ વ્યવહાર કરે મે ઓર હાર્દિક ભાઈ ઓર જયદીપ ચિઠ્ઠી કે ચા કરે મતલબ પૈસે કે મામલે મે તો એ સારું જયદીપ પણ એને ખિસ્સા માં રાખે એ કબાટ માં કે એમ જોઈ ત્યાર માંગે તો અમારે ઘર પે એસા ચાલ રહ્યા છે પૈસા કરે પેલા 100 રૂપિયા માંગતો હાર્દિક એની પેલા 10 માંગતા 10 રૂપિયા રોજ 10 રૂપિયા ના ફટાકડા લાવવાના રોજ ફોડવાના હા એ વાટ કે ભરીને આપ કમ્પ્લીટ એટલે મમ્મી કે 4 રૂપિયા ના ફટાકડા ફોડીએ હો તો એટલે મને કો યાદ આ ગયા મેં કુંડલા થા ના સાવર કુંડલા તો ભી દુકાન પે આયે થે એક બહેન हेजू के लिए 50 की नोट दे के गए है बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद दिया है हेजू को थैंक यू सो मच हेजू उनकी फेवरेट है आंटी जी से कौन थे अच्छे से रखा था अभी याद आया अच्छा थैंक यू सो मच प्लीज आप पैसे या गिफ्ट वगैरह मत भिजवाओ सिर्फ आप आशीर्वाद हाँ आशीर्वाद दे दो तो ही बढ़िया है हमारे आशीर्वाद हाँ तो बस आज तो यही हमारा एंटरटेनमेंट है ब्लॉग बोल रहे दोपहर के बाद का भी वीडियो रखो तो देखते हैं उठने के बाद क्या होता है वैसे दोपहर हमारा कैसा रहता है अभी गणेश सो जाएगा तो हमारी जो दूसरी चैनल है ना मम्मी का भजन वो कार्यक्रम हम दोपहर को करते हैं तो अभी मम्मी भजन अच्छे से गा देंगे
बाद में मैं एडिटिंग अपलोडिंग वो शब्दों पर को कर दूंगी अने सु जाने पसीद થાય ભજન નું એવું થાય છે તો આજે કયું મમ્મી લગ્ન ગીત ગાવાનું છે हाँ लग्न गीत लगन चलो दोपहर के बाद हमारा जो नाश्ता है उसमें है चाय और पाइन एपल पाइन एपल मेरे लिए चाय पाइन एपल है मेरे लिए चाय आपके लिए तमने त्या रातोरात फाफड़ा क्या बनी गया ना एटली सगवड़ हूँ नहीं आपू ए भाई बहन प्रदीप भाई मम्मी का क्या समाचार मम्मी ग्लोबल मार्केट में है शॉपिंग में है थोड़ा तो क्या है कि दोपहर को मम्मी को जाना पड़ा इमरजेंसी में शॉपिंग पे वैसे हम दोनों जाने मैं और मम्मी दोनों जाने वाले थे लेकिन अभी ये जो स्कूल से नहीं आई थी और कनिष्क भी सो गया था तो वैसे हमारा कुछ मेल पड़ा नहीं तो मम्मी बोले मैं अकेली जाती हूँ और चकू बहन वो सब तीन चार लेडीज वो सब आए थे तो सब लेडीज मिलती है तो साड़ियाँ ड्रेसेस वगैरह खरीदने में टाइम तो लगता ही है तो वो लोग अपनी शॉपिंग एंजॉय कर रहे हैं वो फिया की साड़ी लेने के लिए ओके और तुझे मैंने 50 रुपीज दिए थे हमारे व्यूअर्स ने दिए उसका क्या करना है हमें तो एजुको मैं ये 50 रुपए मिले ना हाँ तो हमको ये पैसा ना स्टेशनरी पे दे देते उसके बाद सरप्राइज ले लिए देखो देखो स्टेशनरी का नाम सुन के इजू का मुंह एकदम ऐसे फाफड़ा की तरह फूल जाता है ना इजू तो ये अभी हमारा दोपहर का वैसे हमारा दोपहर का ठंडा ठंडा ही चलता रहता है पापा कोर्ट पे क्या कहाँ पे गए पापा कुछ काम के लिए गए हाँ कुछ काम का तो काम में पता क्या है दोपहर को ओके तो पापा कुछ काम के लिए गए शायद वाड़ी पे जाने वाले तो कुछ चीजें लानी होगी वो गए मंदिर पे मंदिर गए जब भी मेरे पास आती है ना जेलसी बीच में ही आ जाता है ये देखो अभी सोफा चढ़ना भी सीख गए हार्दिक भाई वो पूरा ऊपर चला जाता है पता है दोपहर को हाँ इसके ऊपर नहीं सीढ़ी में वो टेरेस पर भी चला जाता है दोपहर को तो मम्मी गए थे 2:15 अभी 5:30 बजने को आया है और इमरजेंसी में मम्मी को जाना पड़ा था मम्मी कैसा रहा आपका शॉपिंग बहुत अच्छा रहा सारा सुकन्ना गए थे मड़ी गया साड़ी मड़ी गई और तीन तो यहाँ पे दिख रही है 1, 2, 3 जो अभी करने ओके तो 3 आप घर पे लेके आए और 3 रोल पॉलिश में देके आए हाँ। तो टोटल 6 साड़ियाँ हुई ना हाँ। अच्छा। 2 मारे है, मेरी है हाँ। 4 दीदी की है ओके तो ग्रीन कलर ही लेके आए वो भी ग्रीन ही होगा नहीं, नहीं। रानी कलर पर है हाँ। रानी नहीं क्यों कहवाई लाल अच्छा पर्पल टाइप ओके तो ये 2 ग्रीन तो क्या आपने क्यों सेम ली दो ग्रीन ऐसे नहीं है ये वरियाले ग्रीन केवा है ये नीली ग्रीन केवा ग्रीन ग्रीन में कितना शेड आता है बहुत शेड आता है मम्मी लेकिन ग्रीन में से निकलो अभी दीदी को भी ग्रीन ज्यादा हो जाएगी एक तो लेके गए अच्छा है वैसे 4 दीदी की और 2 मम्मी की मम्मी आपको हर एक भजन में अलग अलग पहननी है अभी अरे ये मैंने भजन दो रोटला नो काम क्या टपा का नो काम એટલે કે ભજન કે વાત હતી કે આ રોટલા કડે છે પણ ટપાકા નથી બોલતા કે પછી એને શું કીધું રોટલા ઘડતી હતી એને તો આ રોટલા નું કામ કે ટપાકા નું કામ હા વો હે મમ્મી લેકિન આપકે પાસે આવે ને તન એક કમેન્ટ એવી આવી હતી મને બહુ ગમી આઈ નો ભજન તમે નાઈટી પહેરીને પણ ગાવ તો અમે પણ સાંભળશું पर मुझे ऐसा लगता है आप अगर रेडी होके मस्त साड़ी पहन के गाए तो अच्छा लगता है हमारे व्यूअर्स को भी वो साड़ियाँ लेके कहाँ पे रखनी है कबाट में रखने के लिए शादी में 2 लोग की शादी होती है तो हम घर में हमारे वीडियो में नहीं अच्छी अच्छी पहने पाकू ने हालो बदलाया भजन लेवा बपोर एम नया गया था भजन आप वगर तो आज दोपहर का हमारा पूरा काम था ना वो मम्मी अधूरा छोड़ के गए थे तो अभी वो सब बाकी हमारा तो यही था और पापा आपका क्या अपडेट है वाड़ी का बस वाड़ी का परसों जाना है अच्छा तीन चार रोज के लिए हाँ इंच के सब कुछ लगवाना है इंच का लगवाना है खाटला सब कुछ खाटला लगवाना है सब कुछ करना है रिपेयरिंग करना है वो करवा दो
अच्छा कोई नहीं, तीन चार रोज का काम है। अच्छा आप एंजॉय करके आओ, तब तक हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे। और रिजु को और है ना, ये कुंडला से काका मनी ला रहे हैं, वो हम स्टेशनरी जाएंगे, उसके बाद ये ले स्टेशनरी से कुछ लेने जाएंगे। हाँ रिजु को। और दूसरी बात है ना बा, ये उनका स्वागत करो, लाइट के स्वागत बा के स्वागत के लिए येजू ने यहाँ पे डेकोरेट किया है। किया। तू क्यों हंस रहा है, तू क्यों हंस रहा है? चलो गाइस, तो अभी मैं और हेजू जा रहे हैं हमारे काम फिनिश करवाने। हेजू को जाना है स्टेशनरी और मुझे जाना है मिक्सर रिपेयर करवाने। और वो उस दिन मम्मी ने मिक्सर तोड़ डाला था, वो मिक्सर अभी नहीं चल रहा है, वो फिट करने के लिए। हाँ तो वहाँ पे ही जाना है, स्टेशनरी नहीं जाएंगे। नहीं जाना है, जाना। तो वो हमारा काम है, वो दो दिन से पड़ा हुआ था, तो अब फटाफट कर ही ले, क्योंकि क्या है क्या रात को थोड़ा अच्छा सा खाना पकाना है, तो आधी मिर्ची की पेस्ट चाहिए, इसके लिए करना ही पड़ेगा। तो बस आज हमारा पूरा दिन है, फटाफट जाते हैं, फटाफट आते हैं, और वीडियो का एंड भी यहीं पे करते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। जल्दी जल्दी मिलेंगे कल कुछ नए करते साथ। और यस मम्मी की चैनल में जाके अच्छा सा भजन सुन लीजिए।